गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, टुडे इज अ लवली डे। माई सेल्फ अंकिता सिंह राजपूत फ्रॉम रेडेंट पब्लिक स्कूल बक्सर। ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन इन बिहार आवर स्कूल स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब फॉर क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। हियर मैथमेटिक्स मीन्स इन हिंदी गणित, सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियोज में एक्सरसाइज 1.2 आपको करवाया था, ठीक है, और आज जो हम लोग को एक्सरसाइज पढ़ना है वो क्या है, 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट माई स्टूडेंट्स। CW डेट है 15/5/2020, क्लास फिफ्थ, एक्सरसाइज 1.3, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। है मैथमेटिक्स मीन्स इन हिंदी गणित। मैथमेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणित, जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इन सर्कल डिजिट, यानी कि जिस डिजिट पे, जिस अंक पे सर्कल किया गया है, गोला लगाया गया है, उस डिजिट का प्लेस वैल्यू आपको निकालना है। ए में 3.36.41.130 था, है भी, और 4 में सर्कल किया गया, इन सर्कल किया गया, गोला लगाया गया है, और बोल रहा है इस 4 का प्लेस वैल्यू निकालिए। आप स्टूडेंट्स खुद बताओ 4 किस प्लेस पे है। जो मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं कि हाँ मिस बता रही हैं, मेरे को तुरंत बताना है, तो आप लोग बताइए, देखते हैं कौन जल्दी बताता है। तो अगर आप नहीं भी बता रहे तो मैं आपको बता रही हूँ। 0 मेरा वंस प्लेस पे है, 3 टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे, फिर 1000 प्लेस पे, और 4 10000 प्लेस पे। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स कि 10000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं। 10000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं। तो यहाँ पे कितने जीरो लगाएंगे, 4 के बाद 4 जीरो। अगर आपको ऐसे समझ में आए तो ये भी सही, अगर नहीं आए तो दूसरा ट्रिक क्या है कि 4 पे सर्कल है, 4 लिखा मैंने, उसके बाद कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 4, तो कितना जीरो लगाएंगे, 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, और कॉमा भी था, यहाँ पे एक कॉमा था, मैंने एक कॉमा लगाया। अब बोलिएगा मिस यहीं पे क्यों आप कॉमा लगाएंगे, क्योंकि 4 लिखा, उसके बाद 1 था, तो इस 1 के लिए मैंने जीरो लिखा, उसके बाद कॉमा था तो कॉमा डाला मैंने, उसके बाद 3 डिजिट था तो मैंने 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब बी में है 5.4.36.102, और 4 पे सर्कल किया गया है, तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा है, कॉमा लिखेंगे क्योंकि 4 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 4 सबसे पहले लिखे, उसके बाद कॉमा लिखे, उसके बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो, फिर कॉमा, उसके बाद 3 डिजिट तो 3 जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। सी में 5 पे सर्कल किया गया है, सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 1 डिजिट, इसके लिए 1 जीरो, फिर कॉमा, कॉमा लिखा मैंने, फिर 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के लिए 2 जीरो, फिर कॉमा, फिर 2 डिजिट, तो इस 2 डिजिट के लिए 0 0 ही डालेंगे क्योंकि 0 0 ही है, तो 0 0 डाल देते हैं, फिर कॉमा, तो मैंने कॉमा लिख दिया, फिर 3 डिजिट तो 3 जीरो, ठीक है। डी है 9 पे सर्कल किया गया है, तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट तो 2 जीरो, ये मेरा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। और इसमें 2 क्वेश्चन है, ई और एफ, आप जितना अच्छा से समझ लो स्टूडेंट, इस लॉकडाउन में वही बड़ी बात है। ई 16.04.432 जीरो पे सर्कल किया गया है, इन सर्कल है, और इस जीरो का प्लेस वैल्यू निकालना है। सबसे पहले जीरो है तो मैंने जीरो लिखा, क्योंकि जीरो पे ही इन सर्कल और इसकी इसी का प्लेस वैल्यू निकालना, तो जीरो मैंने लिख दिया, उसके बाद 1 डिजिट, इसके लिए 1 जीरो, फिर कॉमा, मैंने कॉमा लगाया, फिर 3 डिजिट तो 3 जीरो, एंड लास्ट एफ 49.84.72 और 2 पे इन सर्कल है, कॉमा 165। स्टूडेंट 2 पे इन सर्कल है, मैंने 2 लिखा सबसे पहले, उसके बाद कॉमा है, कॉमा किया क्योंकि 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले 2 पे इन सर्कल है तो मैंने 2 लिखा, उसके बाद कॉमा, कॉमा दिया मैंने, उसके बाद 3 डिजिट तो 3 जीरो लगा दिया, ये मेरा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वॉचिंग माय वीडियोस एंड आल्सो हैव अ नाइस।